हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या लिखा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है ये स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, इससे पहले इसकी ना तीन प्रीवियस क्लास हो चुकी हैं, मतलब एक से तीन तक, जिसके अंदर मैंने तीन क्लासें करवाई हैं, जिसमें कि आपके हर क्लासेस में 10 10 क्वेश्चन है। तो यानी कि हम 30 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं और आज हमारी क्लास नंबर है 4। ठीक है, ये क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो इसमें मैंने क्या कराया, देखो जितना मैंने आपको कराया था ना अभी, वो मैंने आपको बेसिक से लेके हर लेवल का क्वेश्चन करवा दिया जो आपके एग्जाम में, और ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर होता है। तो देखो लॉजिकल रीजनिंग में आज हम क्या पढ़ेंगे, मतलब आज हम मैंने लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके क्लैरिकल एग्जाम में, पीओ एग्जाम में जो पूछे गए हैं, क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर, वो भी किसके, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के। तो उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। देखो आज मेरे पास कितने क्वेश्चन है, आज मेरे पास 10 क्वेश्चन है। तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद भी कल की भी एक क्लास होगी, क्योंकि देखो इसमें लॉजिकल रीजनिंग में एक क्लास में और करवाऊंगा, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस है। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो मैंने जैसे कि आपको बताया था इसका, देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, फर्स्ट क्लास में भी दिया था, और मैंने हर क्लास में बताया देखो कैसे होता है कोर्स ऑफ एक्शन में। देखो क्या करते हैं, देखो एक स्टेटमेंट दी होती है और एक कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक दो जनरली दो होते हैं, और फिर आपके तीन चार तक भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो स्टेटमेंट होती है ना, इसको तो हम प्रॉब्लम मानते हैं, और ये होता है आपका कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि एक आपको प्रॉब्लम दी होगी और उस पर आपको एक डिसीजन देना होता है। जब आपको डिसीजन देना होता है तो आपको क्या ट्रीट करना पड़ता है, आप एक जज हो या एक सुप्रीम अथॉरिटी हो, जो आप जिसको जिसके सामने एक प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको ध्यान देना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखो आपका जजमेंट ऐसा होना चाहिए उससे किसी दूसरे को तो नुकसान ना हो और उस प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है, और वो लॉजिक आप मतलब जो डिसीजन दे रहे हो वो लॉजिकल हो। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, इन्हीं पर मेन आपका कोर्स ऑफ एक्शन पूरा खत्म हो जाता है। देखो इसी इसी चीज़ पे हम पूरा प्रीवियसली 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो भी क्या इसी लॉजिक पर होते हैं नहीं होते। तो देखते हैं, हम बढ़ते हैं। देखो 10 क्वेश्चन है। देखो इससे पहले, ये देखो क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ, देखो ये आपकी 100+ पजल की सीरीज चल रही है, इसमें मैं क्लर्क प्री और क्लर्क पीओ के दोनों के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहे तो कर लेना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, ठीक है। और देखो इस अगर आपको मेंस का चाहिए पजल, तो मेंस का चैनल पे जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ पर मेंस की मिल जाएगी। देखो एक क्लास ये भी आपको पता है, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग आती है, आपकी मेंस में ही पूछी जाती है, ठीक है। तो ये भी कर लेना, इसकी भी काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। देखो ये देखो क्या लिखा है, देखो जैसे मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा था ना, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन को दूसरे नाम से जाना जाता है, प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब आपको पता चल गया सीधा, एक प्रॉब्लम दी होगी उस पे आपको एक डिसीजन देना है, डिसीजन कैसे देना है मैंने बता दिया। इसका पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, 3 पार्ट हो चुके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के, ये सबसे इजी क्वेश्चन माने जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, और इसका वेटेज भी कम होता है, ये कम ही पूछे जाते हैं, मगर पूछे जाते हैं तो हमें तो देखो करने ही पड़ेंगे सारे क्वेश्चन, चाहे आपका एक पूछा जाए या दो पूछा जाए। देखो मैंने जब ये क्वेश्चन सर्च करे तो प्रीवियस ईयर में तो क्लैरिकल में तो बहुत ही कम पूछे गए हैं आपके, मतलब ना के बराबर है, मेन आपके पीओ में ही पूछे गए हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है, देखो उससे पहले ये आपको पता होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, देखो डायरेक्शन दिया होता है, ये आपको पता होगा। देखो क्या लिखा है, इन ईच क्वेश्चन बिलो, इन ईच क्वेश्चन बिलो इज अ गिवन अ स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन दिया बिलो में एक एक स्टेटमेंट दी होगी, फॉलोड बाई द टू कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 एंड 2, मतलब देखो लिखा हुआ है, एक आपकी स्टेटमेंट देगी और उसमें कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। फिलहाल यहाँ पर दो लिखा तो आप दो मान लो, नंबर 1 नंबर 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। यू हैव टू अज्यूम, देखो यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से लाइन आपकी, देखो यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है। ये देखो क्या लिखा है, यू हैव टू अज्यूम, आपको मानना है एवरीथिंग इन स्टेटमेंट इज टू बी ट्रू, मतलब जो भी आपका स्टेटमेंट में दिया है वो ट्रू है, एंड ऑन द बेसिस, उस बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन है गिवन द स्टेटमेंट, डिसाइड विच ऑफ द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली, देखो मैंने बताया था लॉजिकल होना चाहिए आपका, जो सजेशन दोगे वो फॉलोड होना चाहिए। बाकी देखो ऑप्शन है, अगर पहला है दूसरा, ये तो आप ईजी है, ये तो हम कर ही लेंगे। देखो पहले पे चलते हैं, देखो पहला क्वेश्चन ये देखो, देखो ये देखो SBI क्लर्क में 2018 में पूछा गया था, यहाँ पर मैंने मेंशन करा। देखो सबसे बढ़िया, देखो अब हम 30 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, ये हम और प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, आपको पता चल जाए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो इसको क्या है, देखो अगेन आप ट्राई करोगे तो सही रहेगा, तो देखो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो उसको, और फिर मैं बताता हूँ। देखो उसका स्क्रीन शॉट ले लेना, वीडियो को रोक लेना, ये हिंदी में भी दिया है सिमिलर। अब देखो मैं पढ़ता हूँ क्या है, देखो
क्या बोला गया है, देखो स्टेटमेंट है मतलब प्रॉब्लम ही होगी, और ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है तो ये प्रॉब्लम ही होगी। देखो क्या देना है इस पे, पढ़ते हैं इसको, देखो आराम से पढ़ना है, मतलब इसके लिए रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है लॉजिकल रीजनिंग में। आ नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, इन अ लोकल स्कूल, मतलब कि कुछ स्टूडेंट थे इन लोकल स्कूल, हैव फॉलन इल, वो बीमार पड़ गए आफ्टर कंजम्पशन ऑफ देयर सब्सिडाइज टिफिन प्रोवाइड बाय द स्कूल अथॉरिटी। देखो अगेन बहुत ईजी है ये तो, क्या बोल रहा है मतलब काफ़ी स्टूडेंट बीमार पड़ गए लोकल स्कूल के, उन्होंने क्या करा किसके बाद, मतलब कि जो फूड खाने के बाद जो टिफिन उनको प्रोवाइड करा बाद किया जाता है स्कूल अथॉरिटी के बाद, तो ये आपकी प्रॉब्लम। अब कोर्स ऑफ एक्शन आपको क्या यहाँ पर देना है, देखो द टिफिन फैसिलिटी ऑफ ऑल स्कूल शुड बी डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट इमिडिएटली, मतलब विद इमिडिएट इफेक्ट, मतलब जितनी भी टिफिन फैसिलिटी है स्कूल की उनको तुरंत ही डिसकंटिन्यूड करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए इमिडिएट इफेक्ट से, ठीक है, ये इसको आप समझ गए हो गया। और दूसरा द गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट अ सिस्टम, गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट को एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू सर्टिफाइड द क्वालिटी ऑफ टिफिन प्रोवाइड बाई द स्कूल। इसका मतलब क्या, देखो गवर्नमेंट को एक सिस्टम बनाना चाहिए जो आप सोच मतलब कि भोजन मतलब कि जो टिफिन प्रोवाइड कर रहे हो ना स्कूल में उसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए। तो देखो ये तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हम काफ़ी कर चुके हैं। देखो क्या करना है, आप ना इसका आंसर सोचो जब तक मैं हिंदी में समझा देता हूँ उसको। देखो क्या लिखा है, देखो स्कूल जो प्रशासन द्वारा प्रदान की गए उनके सब्सिडी वाले टिफिन की खपत के बाद स्थानीय स्कूल में कई स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई, ये बता दिया। क्या लिखा है, सभी स्कूल की मतलब सभी स्कूल में टिफिन सुविधा को तत्काल से बंद कर देना चाहिए, मतलब कि तुरंत उनको बंद करना चाहिए। सरकार को स्कूल द्वारा प्रदान किए टिफिन की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए एक मतलब कि आपकी प्रणाली लागू करनी चाहिए। देखो अब चलते हैं इसमें, देखो क्या है, देखो क्या देना चाहिए इसमें आपको, आई होप आप सबने समझ गए होगी क्या था। देखो क्या है, देखो ये आपका पहला दिया गया है कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कह रहा है, तो टिफिन फैसिलिटी है वो सारी आप बंद कर दो इमीडिएट इफेक्ट है। देखो इससे क्या होगा, देखो ये सुनने में भी सही लग रहा है और देखो ये प्रॉब्लम भी खत्म कर देगा। देखो अगर हम किसी मतलब स्कूल में आपको मतलब टिफिन सर्विस दे रहे हैं, अगर आप टिफिन सर्विस ही नहीं दोगे, ठीक है, एकदम बंद कर दोगे, तो वहाँ पर देखो जो बच्चे भी नहीं खाएंगे जो आपके टिफिन है, उससे क्या होगा, देखो ये बीमारी भी मतलब कि ये आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। देखो सुनने में ये आपका इजी मतलब सही लग रहा है, पर मैंने बताया था आपका लॉजिक होना, लॉजिकल होना चाहिए, मतलब लॉजिकल रीजनिंग का लॉजिक पे बेस होना चाहिए, और दूसरा उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखो ये करने से आपकी ये प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, कर दे सकते हो डिसीजन, पर इससे देखो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखो जो टिफिन सर्विस दी जाती है स्कूल में काफ़ी गरीब बच्चों को दी जाती है, ठीक है, और ये उनका हक भी होता है, अगर आप उसको बंद कर दोगे तो उससे क्या मतलब ये प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी पर दूसरी प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगी ना। तो इसी तरह ये देखो डिसीजन आपका इलॉजिकल है, और देखो ये आप सोच भी सकते हो, देखो इस तरीके से थोड़ा ना मतलब कि भोजन खाने से आपके टिफिन लेने से स्कूल के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो आप टिफिन देना ही बंद कर दो, ये तो कोई मतलब कि ये डिसीजन सही नहीं हुआ। दूसरा क्या है बोल रहा है, इसको देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट, गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो सर्टिफाई करे क्वालिटी ऑफ टिफिन प्रोवाइड बाई द स्कूल। देखो ये बिल्कुल सही है, इससे कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी, ये वाली प्रॉब्लम ना जो मेन ये खत्म हो जाएगी। देखो क्या होगा इससे, क्या है, देखो जो आपका क्या कहते हैं टिफिन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसकी आप क्वालिटी चेक करो सरकार द्वारा की जाए, तो उससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और क्वालिटी चेक हो जाएगी, गुणवत्ता चेक हो जाएगी, तो स्कूल के बच्चे भी बीमार कम पड़ेंगे। तो देखो अगेन इजी क्वेश्चन था काफ़ी, ये क्लर्क में पूछा गया, क्लर्क 2018 में, तो मेरा कौन सा होना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन ओनली सेकंड इज फॉलो, इसका ये आंसर होना चाहिए। देखो इसका आंसर यहाँ पर कहीं दिया हुआ, देखो मैंने आंसर आपको दे दिया यहाँ पर। देखो अगला क्या है, देखो खुद ट्राई करो उसको, देखो मैं देखो समझाता हूँ क्या लिखा है इसमें। एक स्टेटमेंट है, ऑन अ रिलीजियस ओकेजन, ठीक है, एक रिलीजियस ओकेजन अवसर पर अ ह्यूज रैली वुड बी ऑर्गेनाइज बाई द पीपल, एक बड़ी रैली को भी लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इन द एरिया एंड पुलिस वर इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली, और इसके अनुसार ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तो ठीक है ये ठीक है। अब इसमें कोर्स ऑफ एक्शन देना है आपको, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, एडिक्वेट पुलिस फोर्स शुड बी डिप्लॉयड अप्रोड टू रैली द पोजिशन, मतलब जहाँ पर रैली हो रही है वहाँ पर एक एडिक्वेट एक मतलब कि अच्छी खासी पुलिस को तैनात कर देना चाहिए। दूसरा व्हीकल शुड बी एडवाइज, जो व्हीकल है वहाँ पर उनको एडवाइस देना चाहिए टू बैंड ओवर द रोड टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन, वहाँ पे मतलब कि भीड़ भाड़ ना हो। देखो ये अगेन इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर करो, तब तक मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ क्या लिखा है।
लिखा है, एक धार्मिक अवसर पर क्षेत्र में लोगों द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और पुलिस को उसके अनुसार सूचित कर दिया कि लोगों ने बता दी कि हम बड़ी एक रैली का परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस से, तो हम रैली का एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, हम रैली निकाल रहे हैं। लिखा है, पहला जो रैली निकालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाने चाहिए, ठीक है। दूसरा, वाहनों को यातायात में भीड़ से बचाने के लिए सड़क पर उनको सलाह देनी चाहिए कि उनको डाइवर्ट कर दिया जाए। तो देखो इससे देखो कौन सा इसमें कौन सा सही है। देखो इसमें आप देखोगे, देखो आप देखो रैली निकाल रहे हो, ठीक है, रैली निकाल रहे हो उसके अंदर, तो उससे क्या होगा? तो देखो रैली निकाला, आपने पुलिस को इन्फॉर्म करा, तो अब क्या डिसीजन होना चाहिए? देखो पुलिस को आप लिखा है एडुकेट, पुलिस को आप फोर्स कर दो, वहाँ पर डिप्लॉय कर दो, ये तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ताकि वहाँ पर देखो दंगे वंगे ना हो, ये तो होता ही है, ये बिल्कुल लॉजिक मेरा ठीक है। दूसरा, वहाँ पर देखो जो वहाँ पर पुलिस को क्या करना चाहिए, मतलब जो भी है वहाँ पर जो से रिलेटेड अथॉरिटी है, उनको एक एडवाइस देना चाहिए, वहाँ पर एक नोटिस लगा देना चाहिए एक तरीके से कि यहाँ पर रैली निकल रही, तो आप यहाँ पर क्या करो, अपने रूट को डाइवर्ट कर लो, इससे क्या होगा वहाँ पर देखो भीड़ भाड़ नहीं होगी। तो ये दोनों ही लॉजिक मेरे बिल्कुल ही ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए बहुत। तो देखो ये भी एसबीआई क्लर्क 2018 में पूछा गया था, देखो मैंने क्वेश्चन सर्च करे तो एसबीआई क्लर्क मतलब क्लर्क में बहुत ही कम आते हैं, तो यही पूछे गए थे। अब देखो हमारे पीओ लेवल के स्टार्ट हो जाएंगे, देखो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी अच्छा खासा है और ये एस आईबीपीएस पीओ 2018 में पूछा गया है। देखो इसको करते हैं अगेन, आप इसको पढ़ो क्या लिखा है। देखो द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मतलब कि ICMR इशूड अ वार्निंग 2 ईयर्स अगो, एक वार्निंग इशू की गई 2 साल पहले बेस्ड ऑन स्टडीज कंडक्टेड इन हॉस्पिटल, जो आपकी मतलब कि एक स्टडी पे बेस्ड थी जो कंडक्ट की गई क्या हॉस्पिटल में, डैट रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, जो रेजिस्टेंस से एंटीबायोटिक्स से वाज फाउंडेड 50% ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, अ लार्ज नंबर इफ इन्फेंट्स वर डाइंग ड्यू टू इन्फेक्शन डैट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। आप समझ गए होंगे इस तरीके से, ये तरीके की प्रॉब्लम ही है आपकी, तो आप समझ गए। देखो इसको अब इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या देना चाहिए, देखो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द रिवीजन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन अ वेलकम स्टेट इन ग्लोबल इनिशिएट टू पुश बैक अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस द फिनोमेन ऑफ द बैक्टीरिया बिकमिंग अ इवन द मोस्ट पोटेंट ड्रग, ठीक है। अब दूसरा है देखो, क्लोज स्क्रूटनी ऑफ दीज नेशनल स्टेपनरशिप प्रोग्राम सच ऑफ दोज इनिशिएटेड बाई द ICMR इनडीडिड, देखो नीडिड अगेन, देखो ये थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं लेंथी है, इस तरीके के पीओ में पूछे जाते हैं। आप देखो समझ गए होगे क्या कह रहा है, इसके अंदर एक स्टडी थी उसके हिसाब से इसमें 2 कोर्स ऑफ एक्शन बताए गए हैं। देखो इसको हिंदी में पढ़ लेते क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो यह देखो ICMR के रिसर्च में 2 साल पहले हॉस्पिटल में किए गए एक मतलब कि कंडक्ट किए गए अध्ययन के आधार पर चेतावनी दी जा रही थी कि 50% लोग रोगियों में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध पाया गया। आपको पता है एंटीबायोटिक क्या होता है, आपको दवाई लेने से जो के साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में बता रहा है। बड़ी संख्या में यदि संस्कर मतलब कि जो इन्फेक्टेड के कारण शिशु मर रहे हैं और उनका उपचार में जवाब देना चाहिए, ठीक है। क्या लाया, देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO द्वारा एंटीबायोटिक का संशोधन वैश्विक पहल में एक स्वागत योग्य कदम में आवश्यक दबाव में अपनी सूची में रोगाणु रोधी प्रतिरोध के खिलाफ एक वापस मतलब कि लिखा है ना, एक वापस एक बैक्टीरिया की घटना से सबसे शक्तिशाली दबाव के लिए भी थी, इस तरीके से। ये देखो हिंदी ढंग से इसमें हो नहीं पाई, अब इंग्लिश में समझ गए, इंग्लिश में ही करो इसको। तो ये इस तरीके से देखो लिखा है ICMR मतलब कि ICMR द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कि शोध की करीब जाँच की जरूरत है। तो देखो आप देखोगे इसके अंदर अगेन, देखो ये किस तरीके से आप ये वाला, तो देखो अगेन हर कोई समझ गया होगा इसके अंदर ये वाला ठीक है, पर आप इसको भी पढ़ोगे ना, ये देखो ये मतलब क्या लिखा है कि ICMR को मतलब कि इनिशिएट देना चाहिए उसके, तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये वाला करोगे ना तो आप इसको पढ़ो ये क्या लग रहा है, देखो देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को उसकी प्ले लिस्ट में जो था उसको एंटीबायोटिक में एक रिसर्च करना चाहिए इस तरीके से लिया गया है, तो ये भी हमारा ठीक है, तो इसमें मेरे होने चाहिए बहुत मतलब कि आपके फॉलो होने चाहिए, तो इसका आंसर देखो बहुत फॉलो है। अब मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, देखो अब क्या है, देखो
इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर ना देखो क्या है, एक स्टेटमेंट है और तीन आपके क्या लिखा है, कोर्स ऑफ एक्शन है। ये भी SBI PO 2018 में पूछा गया है। देखो क्या है, क्या लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन ड्रोट हिट वेस्टर्न मध्य प्रदेश हैव बीन प्रोटेस्टिंग ओवर अ बिग डिमांडिंग डैट अथॉरिटी इंक्रीज द मिनिमम प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स एंड वेव ऑफ देयर लोन। देखो क्या बोलना चाहता है इसके अंदर, देखो पढ़ते हैं इसको आराम से। थाउजेंड ऑफ फार्मर मतलब कि हजारों की संख्या में फार्मर इन ड्रॉट हिट वेस्टर्न एरिया, जो सूखे से ग्रस्त था वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में भी वेस्टर्न एरिया, हैव बीन प्रोटेस्टिंग मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे धरना दे रहे हैं, फॉर ओवर आ डिमांड फॉर आ वीक डिमांडिंग डैट, वो डिमांड कर रहे हैं डैट अथॉरिटी इंक्रीज द मिनिमम प्राइस, उनका मिनिमम MSP बढ़ाए देयर क्रॉप्स एंड वेव ऑफ, और वापस ले ले क्या कहते हैं बैंक लोन को। तो ये तो अगेन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारी बात खत्म हुई, इतना मैंने समझा दिया। क्या लिखा है, मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द सेवरल स्टेट, मध्य प्रदेश उन स्टेटों में से एक स्टेट हैव सफर्ड, जो सफर्ड होता है मतलब कि प्रभावित होता है ड्रॉट से मतलब सूखे से एंड क्रॉप फेलियर से, और जहाँ पर क्रॉप फेलियर हो जाते हैं इन रिसेंट एरिया। देखो ये समझ आ गया होगा, ये तो आपका आजकल कॉमन चीज़ है इस तरीके से। आप देखो आपके सामने प्रॉब्लम भी तो एक तरीके से, इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन देना चाहिए। देखो कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आप तीन स्टेटमेंट आई है, अभी तक हम दो पढ़ रहे थे, अब तीन है। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है, गवर्नमेंट शुड पनिश दोज इन्वॉल्व इन प्रोटेस्ट। क्या मतलब है, ईजी है। देखो सरकार को जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मतलब कि किसान ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। आप सोचो जब तक मैं बताता हूँ आगे क्या होना चाहिए। ये पहला है, क्लाउड सीडिंग शुड बी यूज इन सच सिचुएशन, मतलब क्लाउड सीड आपका यूज होना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। गवर्नमेंट शुड कंस्टिट्यूट अ टीम, मतलब सरकार को एक टीम मतलब कि बनानी चाहिए टू असेस द सीवरिटी ऑफ ड्रॉट्स, जो आपके ड्रॉट के सूखे बारे में जाने, एंड कन्वे उनको बताए डेट अप्रोप्रिएट कंपनसेशन विल बी पेड, मतलब कि जो कितना आपको उनका कंपनसेशन हरजाना देना चाहिए। देखो ये आप पढ़ते हैं, देखो आप इसका आंसर सोचो क्या होना चाहिए। ये देखो मैं इसको हिंदी में जब तक पढ़ देता हूँ, सूखा ग्रस्त पश्चिमी मध्य प्रदेश में हजारों संख्या में एक हफ्ते से विरोध कर रहे, प्रदर्शन कर रहे थे कुछ मतलब कि लोग, कि अधिकारी उनकी फसल को न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करें और उनके जो बैंक ऋण है ना, मतलब बैंक ऋण को माफ कर दे। यही मैंने बताया, मध्य प्रदेश कई राज्यों में से एक है जिसने हाल ही में सूखा और फसलों का विफलता का सामना किया है, ठीक है। क्या लिखा है, सरकार को विरोध प्रदर्शन करने वाले शामिल करने वाले लोगों को दंड देना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में काउंसिल सीडिंग का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्लाउड सीडिंग लिखा है, क्लाउड सीडिंग होती है जो आपकी, क्लाउड सीडिंग का आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, इसमें एक का आपको करंट अफेयर से पता होना चाहिए। और लिखा है, सरकार को सूखे की गंभीरता का आकलन करने के लिए एक टीम का गठन करना चाहिए और समझना समझाना चाहिए कि उन्हें मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। तो देखो इस तरीके से, तो देखो कि अगेन देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा आया, ये अगेन मतलब इतना क्वेश्चन तो आपका बड़ा है काफ़ी, पर ये इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें देखो आप इजीली कर लोगे, ये देखो आप किसी को सजा दे दोगे, प्रोटेस्ट करना तो देखो हर किसी का अधिकार होता है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या आप उनको सजा दोगे, तो ये बिल्कुल ही लॉजिकल है। और देखो क्लाउड सीडिंग करनी चाहिए, क्या लिखा, क्लाउड सीडिंग शुड बी यूज इन सच सिचुएशन, देखो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, मतलब कि आप सीडिंग इस तरीके से करो, मतलब कि खेती इस तरीके से करो कि आपको उसमें फ़ायदा हो। आपको पता होना चाहिए कि सूखे में कौन सी खेती करनी चाहिए, है ना, ठीक है, और गर्मी में कौन सी, तो इस तरीके से आप उनको बताओगे ना, तो क्या होगा, उनको उनकी मतलब कि खेती बढ़ेगी और उनकी इनकम बढ़ेगी, ये बिल्कुल ठीक है। और ये तो देखो हर किसी ने कर दिया होगा, ये तो सबसे ईजी था। क्या था इसके अंदर, देखो गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए, ये तो बनती रहती है, तो वो आपकी ब्रॉड के बारे में बताए और कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, तो इसका मेरे हिसाब से आंसर देखो होना चाहिए सेकंड और थर्ड फॉलो। तो अगेन ये देखो बड़ा क्वेश्चन था मगर इजी था ये, तो देखो इसमें देखो सेकंड, एक मिनट, इसमें देखो दूसरा आएगा, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है इसके अंदर, ठीक है, देख लेना इसको, एक एक मिनट कहाँ गया, ये कौन सी क्वेश्चन को कर रहे थे, देखो थर्ड होना चाहिए इसके अंदर, ये देखो ये वाला इसमें गलत है, एक मिनट इसको काटते हैं। देखो लिखा ना, क्लाउड सीडिंग शुड बी यूज्ड, तो देखो इसका मतलब ये गलत है, इस तरीके से इसमें सिर्फ ये वाला होना चाहिए। देखो इस तरीके से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसमें सिर्फ दूसरा होना चाहिए मतलब थर्ड होना चाहिए। अब देखो हम चलते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर, देखो क्या बोल रहा है, क्या लिखा है, देखो इसमें एक स्टेटमेंट है और तीन कोर्स ऑफ एक्शन दिए हैं, आप देखो इनको पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो मैनी स्टूडेंट ऑफ द लोकल स्कूल
फेल इल इन द फोर्थ टाइम इन अ रो, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, इन लास्ट 6 मंथ कंज्यूमिंग द फूड प्रिपेयर्ड बाय द स्कूल कैंटीन। देखो अभी हमने कौन सा पढ़ा था, मतलब कि टिफिन सर्विस का पढ़ा था, सेम है, मगर देखो ये SBI PO 2018-17 में आया है, तो इसमें देखो तीन स्टेटमेंट है। देखो क्या बोल रहा है, मैनी स्टूडेंट ऑफ लोकल स्कूल बीमार पड़ गए 4 बार, मतलब फोर्थ टाइम इन अ रो इन अ लास्ट 6, मतलब कि पिछले 6 महीने में 4 बार लगातार पड़ गए। क्यों? क्योंकि तो उन्होंने खाना कंज्यूम किया फूड जो प्रिपेयर्ड पड़ करती है स्कूल कैंटीन की। ठीक है, ये अब देखो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, द स्कूल मैनेजमेंट शुड इमीडिएटली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कैंटीन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन। मतलब कह रहा है जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको इमीडिएटली टर्मिनेट कर देना चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर देना चाहिए जो कैंटीन का, और उनको कंपनसेशन के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, द स्कूल मैनेजमेंट शुड एडवाइज, मतलब स्कूल मैनेजमेंट को एडवाइस होना चाहिए टू ऑल द स्टूडेंट, मतलब एडवाइस देना चाहिए सारे स्टूडेंट को, नॉट ईट फूड आर्टिकल फ्रॉम कैंटीन, जो फूड मतलब कि जहाँ से कैंटीन से वो बीमार पड़े ना वहाँ से वो खाना ना खाएं। ठीक है, अब तीसरा, द ओनर ऑफ द कैंटीन शुड इमीडिएटली अरेस्टेड फॉर नेग्लिजेंस, मतलब कि जो कैंटीन का मालिक है उसको अरेस्ट कर लो जो उन्होंने लापरवाही करी है। तो देखो ये मेरा हो गया, तो अगेन देखो ज़्यादा नहीं है आपका, इजी सा ही 2 लाइन का क्वेश्चन है, बाकी स्टेटमेंट है, इसके बारे में सोचो जब तक मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ इसको। देखो क्या हिंदी में कहाँ है इसकी हिंदी, 1 मिनट, ये है ना, क्या लिखा देखो, स्थानीय स्कूल की कई छात्र द्वारा स्कूल कैंटीन द्वारा दिए जा गए भोजन को सेवन करने के बाद 6 महीने में लगातार बार बीमार पड़ गए। ठीक है, ये पढ़ लिया, स्कूल प्रबंधन को तुरंत कैंटीन का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है अनुबंध को समाप्त कर देना चाहिए और मुआवजा मांगना चाहिए। स्कूल प्रबंधन को चाहिए कि वे सभी छात्र को कैंटीन से भोजन ना खाने की सलाह दें, कैंटीन के मालिक की लापरवाही के लिए तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखो ये सारे के सारे मेरे को, देखो आप देखोगे एक तरीके से क्या है, देखो इसके अंदर सारे के सारे आपके सही हैं, सुनने में सारे के सारे सही लग रहे हैं, मगर हमें इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, हमें कोर्स ऑफ एक्शन देना, मतलब कि किसी से उसकी आपको किसी का नुकसान ना हो और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना। हम देखते पहले स्टेटमेंट से क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये देखो बिल्कुल सही है, मतलब जहाँ कैंटीन में आपका वो है कॉन्ट्रैक्ट उसको बंद कर देना चाहिए और उनका कंपनसेशन लेना चाहिए ताकि उनके स्कूल के स्टूडेंट बीमार पड़े हैं। और देखो ये भी सही है, फूड वहाँ से मतलब कि स्कूल प्रशासन बोले स्कूल मैनेजमेंट की वहाँ से आप खाना ना खाओ, क्योंकि वहीं से देखो पिछले, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम देखो मेन रूट काउज देखना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने में लगातार 4 बार वो बीमार पड़ गए। द ओनर ऑफ कैंटीन शुड इमीडिएटली बी अरेस्टेड फॉर नेग्लिजेंस, देखो बिल्कुल सही लग रहा है सुनने में, पर आप थोड़ा सा सोचो मैंने क्या क्या बताया था कि देखो मेन प्रॉब्लम, देखो आप मेन प्रॉब्लम तो मेरी ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट है जो वो बीमार पड़ रहे हैं खाना खाने से। ठीक है, तो देखो इसको ये पहला स्टेटमेंट है कि मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दो, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देंगे हम मालिक का, ठीक है कैंटीन मालिक का, और उसको कंपनसेशन की मांगना चाहिए, ये भी ठीक है, मतलब इससे देखो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, नहीं हो रही फिलहाल मेरे को तो नहीं लग रही, आपको लगे तो बताना। देखो दूसरा है क्या करना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट को बोलना चाहिए स्टूडेंट को वहाँ से खाना ना खाएं, देखो ये भी ठीक है, अगर खाना नहीं खाएंगे वहाँ से तो आपका बीमार भी नहीं पड़ेंगे, वो कैंटीन वाला गलत है, मान लो कि 4 बार उसने लास्ट मतलब कि 6 मंथ में 4 बार खाने से बीमार पड़ गए, ये देखो सुनने में सही लग रहा है, पर आप सोचो इससे क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। देखो आप क्या करो, आपने इन दोनों को भूल जाया करो, जब पढ़े करो एक एक करके पढ़े करो, ठीक है ये भूल जाओ। अब मेरे पास मान लो यही मेरे पास कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या है इसमें लिखा है, देखो जो ओनर है उसको कैंटीन का इमिडिएटली अरेस्टेड, उसको बंद कर दो और उसको मतलब कि कैंटीन वाले को अरेस्ट कर लो जो उसने लापरवाही करी। देखो इससे करने से क्या होगा, अगर वो अरेस्ट कर लेंगे उसको नेग्लिजेंस से, तो क्या उससे बच्चे मतलब कि भोजन का तो मतलब यहाँ पर कोई मतलब खाने से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, आप उसको अरेस्ट कर रहे हो उसके नेग्लिजेंस से, तो उससे क्या होगा, उससे तो कुछ भी नहीं होगा, उससे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये प्रॉब्लम तो आपकी एज इट इज़ बनी रहेगी। तो देखो लॉजिकल रीजनिंग में कई बार आपको गलत हो जाते हैं, इसलिए यही रीजन होता है। देखो देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कि आप उसको बंद कर दो, ये कर दो, सजा दे दो, पर ये प्रॉब्लम दूसरी है, कुछ प्रॉब्लम दूसरी टाइप की है, ये खाने से रिलेटेड था, तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी मेरी, मतलब आप उसको बंद कर दोगे तो उसकी कैंटीन तो एज इट इज चलती रहेगी। अगर यहाँ पर लिखा रहता कि जो ओनर की ना कैंटीन को बंद कर दो तो बहुत फिर प्रॉब्लम मेरी खत्म हो जाती, तो देखो इसमें एक एक वर्ड का फर्क होता है, तो मेरा ये बिल्कुल गलत है, तो मेरे दो वाले शुरू के ठीक है। देखो इसका आंसर मैंने यहाँ दिए हैं ओनली वन एंड ठीक है, आप देखो ये समझ आ गया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, अभी तक देखो 5 क्वेश्चन करें, आपने लेवल देख लिया किस तरीके से चल रहा है हमारा,
ये देखो, ये भी SBI IBPS PO 2017 में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मैनी स्कूल बसेस हैव फिटेड CNG किट, मतलब कि बहुत सारे स्कूल बस में फिट किया गया CNG किट। आगे पढ़ा है विदाउट, मतलब बिना ऑब्जर्विंग द सेफ्टी गाइडलाइंस, मतलब कि प्रॉपरली, मतलब आजकल पता है आपको लोग क्या करते थे, CNG खुद ही फिट कर लेते हैं, एक गाइडलाइन होती है बिना उसके। इससे क्या हुआ, द रिजल्ट इन टू सम इंस्टेंस ऑफ दीज बसेस कैचिंग फायर, शोड शॉर्ट सर्किट एंड डेंजरिंग द लाइफ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। देखो ये प्रॉब्लम है, ये समझ गए अब क्या बोल रहा है इसके अंदर। मतलब ये है कि जो, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्कूल बसों में CNG किट हमने फिट करवा दी, मतलब उन्होंने कर दी बिना गाइडलाइन के, गाइडलाइन होती है। इससे रिजल्ट क्या हुआ, उससे शॉर्ट सर्किट हो गए और स्टूडेंट की, चिल्ड्रो स्कूल चिल्ड्रन है उनकी लाइफ को खतरा हुआ। तो आपको कोर्स ऑफ एक्शन क्या देना है, देखो पहला, द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शुड इमीडिएटली कैरी आउट चेक्स ऑफ ऑल द स्कूल बस फिटेड विद इट CNG किट। इसका मतलब है देखो, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट है उसको इमीडिएटली कैरी आउट, कैरी करना चाहिए, सारी चेक करना चाहिए स्कूल बसों को जिन्होंने देखो फिट करे हैं CNG। मतलब देखो जिन्होंने क्या, जिन्होंने भी करे, आप चेक करोगे तो पता चल जाएगा किसने की गाइडलाइंस का पालन किया है नहीं किया है। तो ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट है, आप इसके बारे में सोचो। लिखा है अगला, द मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्कूल बसेस स्टॉप हायरिंग बसेस फिटेड विद CNG किट। तो मतलब जो मैनेजमेंट है स्कूल का उसको स्टॉप करना चाहिए, हायर करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए बसेस जो कि CNG किट फिट किया है, जो मतलब गाइडलाइंस पालन करके नहीं किया है। द गवर्नमेंट शुड इशू अ नोटिफिकेशन, मतलब गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन करना चाहिए बैनिंग स्कूल बसेस फॉर यूजिंग CNG किट, मतलब जो आपकी CNG किट बिना गाइडलाइन के कर रहे हैं। तो देखो इसको पढ़ो, मैं जब तक इसको हिंदी में बताता हूँ, ये आपका अगेन ईजी क्वेश्चन है। देखो ये देखो कहाँ पर है इसकी हिंदी, ये है ना, हाँ क्या लिखा, कई स्कूल बसों ने सुरक्षा क्या लिखा, दिशा निर्देशों का ठीक से पालन ना किए बिना CNG किट फिट कर दी, और इसके कारण क्या हुआ, बसों में आग की घटनाएं आई और स्कूल के बच्चों को वही खतरा हुआ लाइफ का। तो लिखा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जो वहाँ की मतलब अथॉरिटी है, उसको तत्काल मतलब इमीडिएटली CNG किट से सभी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए, और सभी स्कूल स्कूल के बसों के मतलब कि सभी स्कूल क्या लिखा, सभी स्कूल के प्रबंध को CNG फिट किए गए ये बसों का बंद कर देना चाहिए, और क्या लिखा, सरकार को CNG फिट किए गए बसों में प्रतिबंध करने के लिए ये करना चाहिए। देखो इसे आपका, देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो ये प्रॉब्लम तो हम समझ गए, प्रॉब्लम क्या थी, मेन प्रॉब्लम, और देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो देखो रीजनल वहाँ आपका ट्रांसपोर्ट है उसको इमीडिएटली कैरी चेक करनी चाहिए ऑल द रीजनल बस फिटेड विद CNG किट, जिन्होंने देखो CNG फिट करे हैं, सबको चेक करोगे तो ये भी लोग आ जाएंगे इसमें, ये तो ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ स्कूल शुड स्टॉप हायरिंग द बसेस फिटेड CNG किट। देखो ये इस बात में बहुत अंतर है, सुनने में ये सही लग रहा है, इसका मतलब ये है कि हम मैनेजमेंट को ना सारे स्कूल की जगह मतलब कि जो भी स्कूल बसों को हायर करना बंद कर दें जिसमें CNG है। देखो आप इससे क्या हुआ, मैंने बताया इससे प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। देखो पहली वाली प्रॉब्लम थी कि वहाँ का मतलब कि जो अथॉरिटी है वो चेक करे, तो इसको दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं होगी, क्योंकि वो चेक करेंगे तो वो उनको पकड़ लेंगे। मगर इससे देखो, इससे तो देखो ये वाली प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी कि वो स्कूल बसों को ही हायर ना करें, पर मेरी दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्या, देखो स्कूल के बच्चों को दिक्कत होगी, वो कैसे अपना ट्रांसपोर्ट आने जाने का होगा। तो ये मेरा लॉजिक बिल्कुल गलत है। और क्या देखा, एक गवर्नमेंट शुड इशू नोटिफिकेशन बैनिंग स्कूल बस, ये भी देखो काफ़ी बड़ी बात है, मतलब कि गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि वो स्कूल बसों को बंद कर दे जो यूज़ कर रही है CNG किट। तो ये भी गलत है, तो इससे भी देखो प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, पर दूसरी प्रॉब्लम सिमिलर जो प्रॉब्लम थी मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी। सुनने में देखो तीनों सही लग रहे थे, पर इसका मेरा पहला ही आंसर होना चाहिए, ओनली फर्स्ट इज फर्स्ट वो लो। देखो ये है, अब मैं चलता हूँ, देखो क्या है मेरा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये देखो ये आप देखो ये IBPS SBI में पूछा गया 2017 में। क्या है देखो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डिस्काउंट ऑफर्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चैन, ठीक है, जो डिस्काउंट दिया जा रहा है रिटेल चैन के द्वारा, आर इंक्रीजिंग ईटिंग इनटू स्मॉल रिटेल पाइप। देखो बहुत अच्छा है ये, इसको समझने की कोशिश करना, आप अगर इसको समझ नहीं पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो जो डिस्काउंट दिया जा रहा है रिटेल चैन के द्वारा, उससे क्या हो रहा है, वो ईटिंग इनटू स्मॉल, मतलब ये ईटिंग का मतलब वो नहीं है, मतलब उसको मतलब बिजनेस कम होता जा रहा है स्मॉल रिटेलर का।
देखो जो रिटेल वाले होते हैं ना, खुदरा व्यापारी द्वारा अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है स्मॉल बिजनेस, स्मॉल रिटेलर्स को, ठीक है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, ये समझना पड़ेगा। दस क्रिएटिंग प्रॉब्लम, जिससे प्रॉब्लम हो रही है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर्स को हो रही है, इन स्पाइट ऑफ द, क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ द हाइप अराउंड द रिटेल बूम, मतलब इस तरीके से है जो उसके अंदर वृद्धि हो रही है। तो देखो अब क्या है, देखो इसको पढ़ेंगे, एन एफर्ट शुड बी मेड, एक एफर्ट बनाना, एफोर्ड करना चाहिए, मतलब कि डिस यूज कस्टमर फ्रॉम परचेजिंग द प्रोडक्ट ऑन डिस्काउंट। तो क्या कह रहा है, मतलब कि आप ऐसा करो कि आप ना जो डिस्काउंट दे रहे हैं ना वो वाले प्रोडक्ट ही मत खरीदो। किससे कह रहा है, कंज्यूमर से। तो ये तो सुनने में आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। देखो क्या लिखा है, ऑल सच मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी मैन्युफैक्चरर है, स्टॉप सप्लाइंग प्रोडक्ट्स, उनको सप्लाइंग प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए टू ऑर्गेनाइज रिटेलर, रिटेल चैन, ठीक है। एफर्ट्स शुड बी मेड, बंद करने चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को टू कॉमर्शियल डायलॉग्स, मतलब कि क्या कहते हैं, कॉमर्शियल समझते हो, मतलब कि कॉमर्शियल डायलॉग्स होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए विद रिटेल चैन। देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसका हिंदी देखते हैं, देखो क्या है इसके अंदर, ये देखो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से प्रॉब्लम है। संगठित खुदरा श्रृंखलाओं द्वारा प्रदान किए गए, ठीक है, ये हो गया ना इस तरीके से, मतलब कि वही है जो मैंने बताया इस तरीके से, कि मतलब कि आप दे रहे रिटेलर, वो खुदरा व्यापारी आपका डिस्काउंट दे रहे हैं तो उससे छोटे व्यापारी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। उससे ग्राहकों को छूट पर उत्पाद खरीदने के लिए रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। देखो ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, इससे कंज्यूमर का क्या लेना देना। और ऐसे सभी मैन्युफैक्चरर को संगठित रिटेल चैन के उत्पादों की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा खुदरा के ये जो बातचीत करनी चाहिए, देखो इस क्वेश्चन के अंदर, देखो प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, कहाँ है प्रीवियस स्लाइड, देखो इसमें, देखो ये देखो आपको इसमें का आंसर इजीली पता चल रहा होगा। देखो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हर किसी ने बता दिया हुआ है कि क्या कहते हैं कि उसका ना, मतलब कि आप मान लो रिटेलर आपको डिस्काउंट पे दे रहा तो आप खरीदना बंद कर दो, तो ये तो प्रॉब्लम से कुछ होले होगा नहीं, ये इलॉजिकल है बिल्कुल। देखो ये वाला है ना, ये वाला तो सबने पहचान लिया, उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए ये भी से, बट देखो कन्फ्यूजन यहाँ आता है, कन्फ्यूजन दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, ऑल सच मतलब मैन्युफैक्चरर शुड स्टॉप सप्लाइंग प्रोडक्ट टू ऑर्गेनाइज रिटेल चैन। देखो इस तरीके से है ना, देखो ये भी बिल्कुल सही है, तो मेरा इसका ऑप्शन क्या होगा, दोनों होगा, देखो सेकंड एंड थर्ड। देखो अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये देखो ये भी SBI PO 2018 में पूछा गया है, देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार एक 30 to 40% ऑफ वाटर सप्लाइड इन, ये सिटी का नाम है XYZ, लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि देखो इसके अंदर एक प्रॉब्लम दी गई है, इतना आपका वाटर आपका सप्लाई में हो रहा है इस वजह से। तो आगे क्या लिखा, देखो इसके अंदर, एफर्ट शुड बी मेड, ऐसे एफर्ट बनाने चाहिए टू रिड्यूस सच लॉसेस थ्रू प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस पेमेंट, ठीक है। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोक्यूर टू स्पॉन्सिटिकेटेड इक्विपमेंट फॉर बेटर लेक डिटेक्शन एंड ऑल्सो कंपेरिजन प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम भी लॉन्च टू रिपेयर एंड रिप्लेस द आउट ओल्ड एंड वर्न अबाउट पाइपलाइंस, इस तरीके से। और देखो क्या क्या, डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन जो गलती पाते हैं। देखो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, देखो क्या लिखा, एक रिपोर्ट के अनुसार ये शहर में XYZ में शहर में 35 से 40% पानी की आपूर्ति ट्रांसमिशन और वितरण घाटे, ये देखो की वजह से कम हो गई। पहला क्या है, उचित जांच और संतुलन प्रणाली के माध्यम से इस तरह के नुकसान को कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, बिल्कुल सही है ये, बेहतर रिसाव का मतलब कि उनका पता लगाना चाहिए और उपकरणों की खरीद के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि ऐसे घिसे पिटे पाइपों के बदलने से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू, ये भी ठीक है। आप देखो ये एक तो, ये तो आपको सबको पता चल गया, उन सभी लोगों के खिलाफ मतलब कार्रवाई करनी चाहिए जो इसके लिए, तो इसमें मेरे तीनों सही होंगे। आप देखो ये ऑल है, देखो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। शुगर मिल्स हैव सैड, मतलब शुगर मिल ने कहा डैट दे विल नॉट बी एबल टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब वो MSP नहीं दे पाएंगे बाई द गवर्नमेंट फॉर शुगर केन फॉर नेक्स्ट, मतलब देखो दोबारा पढ़ते हैं क्या है, देखो शुगर मिल हैव सैड, शुगर मिल मालिक मतलब ने कहा दे हैव नॉट बी एबल, वो योग्य नहीं है टू पे मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाई द गवर्नमेंट, जो मिनिमम प्राइस फिक्स्ड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर शुगर केन फॉर नेक्स्ट
मतलब कि ये सीजन जो नेक्स्ट सीजन में आपको देना वो नहीं कर पाएंगे। देखो अगेन ये तो प्रॉब्लम है क्या, देखो MSP जो फिक्स्ड करती है सरकार, वो आपका मतलब कि एक शुगर मिल वालों ने कहा हम नहीं दे पाएंगे जो उनका प्राइस है, ठीक है। अब क्या देखा, गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ कमिटी लुक इन टू द मैटर, ठीक है। अब देखो सरकार को एक कमिटी मतलब कि बनानी चाहिए जो इस मामले को देखे, तो ये आपको पता चल रहा होगा। ए नोटिस शुड बी सेंड, एक नोटिस सबको मतलब भेजना चाहिए टू ऑल शुगर मिल ओनर्स टू अबाइड द डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट, जो मतलब कि इस डिसीजन के खिलाफ जा रहे हैं तो उनके लिए सरकार को क्या करते हैं, एक नोटिस भेज दें शुगर मालिकों को, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ऑल दो शुगर मिल ओनर हु रेडी टू वॉयलेट द गवर्नमेंट डिसीजन, वॉयलेट मतलब जो उसका उल्लंघन करते हैं। तो अगेन देखो ये इजी सा क्वेश्चन है, देखो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो चीनी मिलों ने कहा कि वे अगले सीजन के लिए गन्ने के मतलब कि जो शुगर केन है सरकार द्वारा गैर निर्धारित MSP का भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो उसमें देखो कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है आपको, सरकार को मामले को देखने के लिए नियुक्त करना चाहिए कमेटी। ये देखो ये तो कॉमन होता है आपका हर में, ये बिल्कुल सही है। कमेटी आप नियुक्त करोगे तो पता तो चलेगा वो क्यों मतलब कि मना कर रहे हैं, और उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। सरकार द्वारा किए गए निर्णय का पालन करने के लिए, लिखा ना सरकार द्वारा किए गए निर्णय का पालन ना करने के लिए सभी ना आएगा यहाँ पर नोटिस भेजने चाहिए। तो देखो ये वाला प्रॉब्लम से ना इससे कोई लेना देना नहीं है, लॉजिकल है, क्योंकि देखो उनकी कोई प्रॉब्लम होगी वो प्राइज नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनको नोटिस भेज दो, तो उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये गलत है। देखो उन सभी चीनी मिल मालिकों के लिए खिलाफ एक कार्रवाई की जानी चाहिए जो सरकार के फैसले का उल्लंघन, ये भी गलत है। देखो ये तो एकदम गलत है, मतलब कि आप सरकार की बात नहीं मान रहे तो उनके क्या करो, उनको मतलब कि कार्रवाई करोगे, ये भी गलत है। देखो इसमें मेरा एक ही सही है, ओनली फर्स्ट इज ये। देखो अब अगले पे चलते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन है क्या आया है, देखो ये SBIPO 2017 में आया है। देखो ये अगेन देखो छोटा सा क्वेश्चन है क्या है, देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम एंड फार्मिंग बिकम आ नॉन वायलेबल एक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चरल काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और फार्मिंग ऐसी बन गई है जो आपकी नॉन वायलेबल एक्टिविटी हो गई है, तो ये एक प्रॉब्लम है। देखो क्या लिखा है, एन इंक्वायरी शुड बी मेड, एक इंक्वायरी बनानी चाहिए टू द प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एग्रीकल्चर एंड नॉन वायलेबल आइडेंटिफाइड। तो अगेन ये देखो पिछली तरीके से आया है, ये तो कॉमन ही पॉइंट होता है। अब देखो लिखा था सपोर्ट सिस्टम हैव टू बी टर्न टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ फार्मर, एम्फेसिस ऑन ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड ड्राई लैंड। तो इस तरीके से मतलब कि एक मतलब को आपको एक प्रोडक्ट लिखा क्या है, द सपोर्ट सिस्टम हैव बी ट्यून्ड मतलब करना चाहिए टू इम्प्रूव जो इनकी प्रोडक्टिविटी को और इनकम की फार्मर को बढ़ा सके, कौन से स्मॉल एंड फार्मर और ड्राई लैंड एरिया में। और अगला देखो लास्ट है, द गवर्नमेंट शुड मेक अ पॉलिसीज, एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए वो भी किससे रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से, कीपिंग इन माइंड इंक्रीज द रिस्क इन एग्रीकल्चर। देखो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कृषि क्षेत्र में क्या ही समस्या का सामना कर रहा है और खेत लिखा है और खेती और गैर व्यावहारिक गतिविधियां बन रही हैं, तो एक जांच और गैर व्यवहारिक बनाने के लिए जिम्मेदार समस्याओं की पहचान के लिए कमेटी, ये तो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सही है। कमेटी बैठाओगे जब भी तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। और समर्थन प्रणाली को छोटे और सीमांत किसान मतलब कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को शुष्क भूमि क्षेत्र मतलब कि जो ड्राई लैंड है पर जोर देने के साथ उत्पादकता प्रोडक्टिविटी किसानों की आय में सुधार करने के लिए तैयार करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, तभी तो प्रॉब्लम खत्म होगी। और दूसरा सा लास्ट है, सरकार को खेती में बढ़ते जोखिम को ध्यान रखते हुए नीतियाँ बनानी चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसमें देखो मेरा ऑल थ्री होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। देखो इस तरीके से ये क्लास होती है आज की एंड, देखो ये इस तरीके से देखो हमने आज क्या करा, इसके अंदर देखो हमने 10 क्वेश्चन करे, आपने देखा प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपने देखा कुछ क्वेश्चन तो इसके अंदर हाई थे और कुछ लो थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान रखना पड़ता है जो मैंने पॉइंट बताए। तो देखो आज का तो सेशन यही खत्म करेंगे, ये हमारी चौथी क्लास थी, ये मेरा देखो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से PDF ले लेना, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो हो तो क्या कहते हैं इसको शेयर जरूर करना। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारी 4 क्लासे हो चुकी हैं, जिस स्टूडेंट ने 4 क्लासे नहीं देखी हैं वो जाके प्रीवियस 4 क्लासे देख ले, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। और हम अब हमारी 1 क्लास हो रहा है इसकी, देखो मतलब हमारे 50 क्वेश्चन हम कर लेंगे इसके अंदर अराउंड, अगले में भी 10 ही होंगे तो देखो 50 क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसके बाद देखो इसके बाहर तो कुछ आएगा नहीं, पर शर्त ये आप बार बार इसको रिवाइज करते रहना, अगर प्रॉब्लम आए तो देखो वीडियो को मतलब बार बार देखो, और क्या करो PDF डाउनलोड कर लो,
तो देखो इस क्लास को तो यही एंड करेंगे, फिर मैं देखो जब भी इसकी क्लास होगी क्लास नंबर 5 में मिलूंगा, उसमें भी प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उनको देखेंगे वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं।